वो ठीक है ना? एक्चुअली एवरीथिंग सीरियस? हाँ, उनकी हालत बहुत सीरियस है। लगातार शराब पीने के कारण उनका लीवर खराब हो चुका है और अब शराब की एक बूंद भी उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। वैसे आप लोग उन्हें शराब पीने से मना क्यों नहीं करते? हर तरीके से कोशिश की डॉक्टर साहब, उनको डांटा, उनको प्यार से समझाया, इमोशनली ब्लैकमेल किया, लेकिन वो मानते ही नहीं। हम क्या करें आप बताइए। अब उनकी शराब छुड़ाने का और उनकी जान बचाने का एक ही तरीका है। क्या? रिहैबिलिटेशन सेंटर। वो कौन सी दवा है? ये कोई दवाई नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर दवाइयों के द्वारा शराब छुड़ाई जाती है। वहाँ सिर्फ दवाई ही नहीं दी जाती, बल्कि लेक्चर्स भी दिए जाते हैं। पेशेंट के शरीर के साथ साथ मन और दिमाग पर भी इलाज किया जाता है और वहाँ शराब पीने की आदत जड़ से मिटाने की कोशिश की जाती है। और जब मरीज शराब पीना छोड़ देते हैं तो उन्हें घर भेज दिया जाता है। डॉक्टर साहब, लेकिन इस प्रोसेस में कितना वक्त जाएगा? देखिए, हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन 6 महीने भी लग सकते हैं या फिर सालों लग सकते हैं। ये पेशेंट की विल पावर पे डिपेंड करता है। वैसे पुणे में एक रिहैब सेंटर है, अगर आप लोग चाहें तो दामोदर जी को वहां भेज सकते हैं और मैं वहां के हेड से बात कर सकता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, अगर यही तरीका है तो हम तैयार हैं। ठीक है, आइए हम बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। हाँ, ताई, ये देखा आपने? आपकी फोटो छपी है अखबार में। किसी मानव ने छपवाई है और उसने ये भी लिखवाया है कि वो लोग आपको ढूंढ रहे हैं। आपको आपके घर वाले इतना प्यार करते हैं, फिर भी आप यहाँ? देखिए ताई, हम लोग यहाँ शांति निकेतन में इसलिए हैं कि हमारा वाकई कोई भी नहीं है, और अगर कोई है भी, वो लोग नहीं चाहते कि हम उनकी जिंदगी में इंटरफेयर करें। और फिर आपके परिवार वाले तो आपसे प्यार करते हैं, फिर भी आप यहाँ? ये मानव आपका ही बेटा है ना? नहीं ताई, मैं इतनी नसीबवान का कि मेरा मानव जैसा बेटा हो। मानव मेरा दामाद है, लेकिन बेटे से भी ज्यादा प्यार करता है वो मुझे। सच कहूं तो उसने मेरे लिए जो किया है ना, उतना तो मेरे बेटे ने भी मेरे लिए नहीं किया। अब देखिए ना, बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और दामाद अपनी पूरी ताकत लगा रहा है मुझे ढूंढने के लिए। उसके लिए मैं अर्चना की मां नहीं हूं, उसकी मां हूं। सच कहती हूं, मैं बेटे से ज्यादा भरोसा मानव पर करती हूँ। कोई मुसीबत आए तो मेरे मुंह से अपने बेटे का नाम नहीं, मानव का नाम निकलेगा। तो फिर आप उनके घर क्यों नहीं चली जाती, या फिर वो लोग भी आपके साथ? नहीं नहीं, वो लोग तो बहुत भले हैं, बहुत अच्छे हैं, वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते, लेकिन मैं उनके घर नहीं जाना चाहती। लेकिन क्यों? बेटी का ससुराल है, समाज क्या कहेगा शर्मा जी? और रीत भी यही है, परंपरा भी यही है। मैं उनके यहां जाऊंगी तो लोग तरह तरह के सवाल पूछेंगे और उन्हें मेरी वजह से खामखा परेशानी हो। मैं उनकी परेशानी की वजह नहीं बनना चाहती। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मानव को मत बताइए कि मैं यहां पर हूं। आप चिंता मत कीजिए, हम में से यहाँ पर कोई भी आपके दामाद को कुछ भी नहीं बताएगा। जब तक चाहे आप हमारे साथ यहाँ पर रह सकती हैं।
अरे वाह, बड़ा आलीशान महल है हमारे दामोदर पंत के लिए। देखरेख के लिए सिस्टर है, डॉक्टर है, वार्ड बॉय है, सोने के लिए नरम नरम गद्दे हैं। इतना सब होने के बाद कौन भला दारू नहीं पिएगा सविता है? अरे मुझसे इतना तंग आ चुके ना आप, तो मुझे बोलने का था ना, तो मैं मानव को बोल के तुम्हारे लिए एक आलीशान कमरा बनवा लेती थी। उसमें बैठ के हमारे दामोदर महाराज अच्छी तरह दारू पिया करेंगे। हा? क्यों नहीं बोला मुझे? तू क्या बोले जा रही है? मैं क्या इसीलिए थोड़ी ना दारू पीता था, मैं तो दारू के बारे में तुम बोलो ही मत। अभी अभी डॉक्टर ने मुझे बताया दारू के कितने फायदे हैं। नंबर एक, लीवर खराब होता है। नंबर दो, ज्यादा दारू पीने से लीवर सड़ने लगता है, अपना काम करना बंद कर देता है, फिर तुम्हारी कमजोरी बढ़ती है, बाल झड़ जाते हैं, और हाँ खांसते खांसते तुम्हारे फेफड़े बाहर निकल आते हैं। इतने सब फायदे होने के बाद कौन नहीं दारू पिएगा? तू मेरी बीवी है या दुश्मन? इस अवस्था में मेरी सेवा करने के बजाय तू मुझे ताने मारे जा रही हो। ताने मैं जानबूझ के नहीं मार रही हूँ। मैं रोज रोज जो ताने मारती थी, मेरा मतलब ऐसा सोचना था कि ये ताने सुनने के बाद दामोदर महाराज दारू पीना बंद करेंगे, लेकिन नहीं, हमारे दामोदर महाराज है हम नहीं सुधरेंगे प्रोडक्शन के इंचार्ज। वो सुधरते नहीं, मतलब मेरा दामू है ना, दामू, दामू की बाल कैसी है, कितनी उसको सीधी करो फिर जाके वो टेढ़ी की टेढ़ी। उठना नहीं, सो के रहो। हाँ, मैं जितना बोल रही उतना सुनो, अगर असर हो गया तो अच्छा है, नहीं तो आप हॉस्पिटल, नर्स, डॉक्टर, राम राम। हाँ, तू जाना अभी। क्या दारू लाऊं जाके? आ जा जा जाके दारू ला जा। कौन से गुत्ते से लाऊं बताओ? कितनी बोलती थी लेकिन सुना नहीं। दारू पीना आज दिन ब दिन बढ़ते ही जाता था तुम्हारा। हाँ, मेरे से डरते थे तो अच्छा होता था। डरा नहीं ना इससे, अभी झगड़ा मत करो, फिर खांसने लगोगे, फिर मुंह से क्या खून आएगा, मुझे डर लगता है। पानी दे, पानी। हाँ दे। मानो गला बहुत सूख गया है, थोड़ी सी। आप अब भी शराब पीना चाहते? क्यों अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे? आप नहीं चाहते कि आप ठीक हो जाए, हमारे साथ रहे? पापा देखिए, आपको अपनों के लिए शराब छोड़ना ही पड़ेगा, या फिर आप हमसे प्यार ही नहीं करते। अरे पगले, मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तो अब तक जिंदा हूँ, वरना मैं कब का। अब अरे बेटा, ये शराब तो एक बहाना है अकेलापन दूर करने का। तू काम के लिए बाहर रहता है, अर्चना बच्चों के साथ बिजी रहती है, और तेरी आई वो तो उसके बड़े बड़े कामों में बहुत बहुत बिजी रहती है, और मेरे अपनों के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। आप ही देखना आज कितने दिनों बाद तुम मेरे पास बैठ के मेरे से बातें कर रहे हैं। मैं बेटे अपनी खुशी के लिए दारू नहीं पीता, ये अकेलापन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैंने दारू से दोस्ती की है। सही कह रहे बाबा, जो आपकी हालत है
उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। अपने काम में इतना बिजी हो गया कि आपको वक्त ही नहीं दिया, लेकिन बाबा मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अब जब कभी एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका बेटा आपके साथ हो, मैं हमेशा रहूंगा। तो बाबा ये शराब पीना छोड़ दो प्लीज। लेकिन अचानक कैसे? मैं हमें पता है बाबा कि आप अचानक शराब पीना नहीं छोड़ सकते, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि आपको हम कुछ दिन के लिए रिहैब भेज देंगे। क्यों मुझे आपने आपसे दूर कर रहा है? तू तो काम में रहता है, लेकिन कम से कम घर में जब होता है तब मेरी नजरों के सामने तो होता है ना। पर रिहैब सेंटर में भेजकर तो मेरा ये सुख भी छीन रहा है। बाबा, हम आपको अपने आप से बिल्कुल दूर नहीं करना चाहते, बल्कि हम ये चाहते कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और हमारे साथ रहें। लेकिन इसके लिए आपको वहां जाना पड़ेगा ना बाबा, आप जाएंगे ना? अब तुम लोगों ने ठान ही लिए तो मुझे क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो। मैं जाऊंगा तुम लोगों से दूर, मैं जाऊंगा। फिलहाल ये पैसे रख लो, बाद में और दूंगा। जैसा मैं कहता हूं वैसा करते जाओ। मानव के प्रोजेक्ट में घटिया से घटिया मटेरियल का इस्तेमाल होना चाहिए। और बिल सर? बिल ऑब्वियसली हाई क्लास मटेरियल का ही बनेगा। ओके। जब तुमको इतने पैसे दे रहा हूं तो ये पैसे कहीं ना कहीं से तो वसूल करूंगा ही। ये पैसे मैं कंपनी के अकाउंट से वसूल करूंगा। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, इस बात की किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। काम बहुत ही सावधानी से होना चाहिए। लेकिन सर, अगर ये मानव को पता चल गया तो? सावधानी बरतेंगे तो किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाओ। ठीक। आई, बाबा के साथ इतना कुछ हो गया और तू मुझे अब बता रही है? कम से कम एक बार फोन तो कर देती मुझे। अरे फोन करना चाहती थी, लेकिन भागा दौड़ी इतनी थी रह गया। अब सच बताओ, तेरे बाबा का रूप देखकर तो मैं बहुत डर गई थी। आई तू ना, अच्छा छोड़ तू ये सब बातें, मैं ना अभी किचन का काम निपटा देती हूँ, उसके बाद तेरे साथ मैं अस्पताल चलती हूँ बाबा को देखने के लिए, ठीक है? और सुन, तेरे लिए चाय बनाऊँ क्या? चाय भी वो रहने दे, तू पहला काम भी रहने दे, तू पहले तैयार हो, जल्दी तैयार हो जाती हूँ। अरे ताई, कैसी हैं आप? कब आई? अभी आई। अरे देवा, इसे अभी आना था? अब जरूर उस फोटो वाली बात को देखकर ये मेरी टांग खींचेगी। ताई, आपने वो अखबार पढ़ा? नहीं तो? लो, इतनी बड़ी बात हो गई, आपको खबर तक नहीं? जानबूझकर बात को बड़ा चढ़ाकर बोल रही है चुड़ैल। अरे मैंने पहली बार पढ़ा ना तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, बाद में जब 10 बार पढ़ा मैंने तभी जाके विश्वास हुआ। मैं विश्वास मतलब मैं आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आप जानबूझकर थोड़े ना ऐसा करेगी। नहीं, मैंने वो पेपर वाले ने तो फिर भी ताई, ये 50,000 रुपए इनाम बहुत ज्यादा नहीं हुआ? ये क्या बोल रही है? मैंने जो पेपर पढ़ा था उसमें तो इनाम बिनाम की बात ही नहीं छपी थी। आई, ये सब क्या है? मानव ने सुलोचना के गायब होने की खबर छपवाई है और ऊपर से 50,000 का इनाम भी डिक्लेयर किया है। वही तो, 50,000 रुपया अमाउंट तो तगड़ा है। अगर मैं सुलोचना को ढूंढ निकलता हूँ तो ये सब कैसे? मेरा मतलब है कि कहाँ जा सकती है सुलोचना आई? अरे मुझसे क्यों पूछता है, तेरे आई से क्यों पूछता है? जाके अपनी बहन से पूछ ना।
ये सब उसका किया धरा है। ये आंखें फाड़ फाड़ कर क्यों मेरे तरफ देख रही है? मैं सच्ची तो कह रही हूँ, मुझे मेरे बेटे पे बहुत नाज है। उनके घर का दामाद है, फिर भी बेटे जैसा उनके साथ रहता है। और तुम्हारी बेटी और तेरी बहन उनकी बहू होते हुए भी उनकी बेटी नहीं बन सकी। अरे वंदु, तू हुई कि नहीं तैयार? चल जाने का है जल्दी हॉस्पिटल में। अरे ताई, आप आ गई हॉस्पिटल से? कैसी तबीयत है आपके बेटे की? क्या कह रहे थे डॉक्टर? उसकी तबीयत तो लगातार बिगड़ती ही जा रही है। डॉक्टर ने कहा है 2 दिन के अंदर अंदर ऑपरेशन करवाना ही होगा, वरना वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। और अगर ऑपरेशन करवाना है तो पूरे पैसे जमा करने होंगे, जो अभी मेरे पास नहीं है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतने कम समय में इतने पैसों का इंतजाम कैसे होगा ताई? देखिए, आप शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं ताई? मेरा बेटा मर रहा है वहां पर। वो अच्छा है बुरा है, जैसा भी है तो मेरा बेटा। मैं उसे मरने के लिए कैसे छोड़ दूं ताई? कैसे? ताई, इस तरह निराश मत होइए। माँ की ममता में बहुत बड़ी कृपा होती है, इतनी कि वो बापा को कृपा करने पर मजबूर कर देती है। मुझे विश्वास है कि बापा आपकी जिंदगी में उम्मीद की किरण जरूर जगाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। आई का कुछ पता चला? चिंता मत करो अर्चना, सब ठीक हो जाएगा। सविता ही कहीं दिखाई नहीं दे रही? सविता ही, वो हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? हाँ। क्यों? बाबा हॉस्पिटलाइज है। क्या हुआ बाबा को? एक्चुअली आपको तो पता ही है कि बाबा को दारू पीने की आदत है। हमेशा से उनकी तबीयत तो खराब रहती थी, इस बार कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है। लेकिन उनके हार्ट और लिवर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। पता नहीं आशा जी, सब क्या हो रहा है। एक तरफ आई का टेंशन, दूसरी तरफ बाबा। ना आई को ठीक से ढूंढ पा रहे हैं, ना बाबा की तरफ ध्यान दे पा रहे। और बच्चे, उनको तो, उन बेचारों के तो इतने हाल हो रहे हैं ना कि पता नहीं। हिम्मत मत हारो अर्चना, अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो मानव का क्या होगा? तुम्हें स्ट्रांग रहकर उसे सपोर्ट करना है। हर्षना जी, आप मानव, आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आती। आई के बारे में पूछने आई थी, कुछ पता चला उनके बारे में? अर्चना बता रही थी कि बाबा हॉस्पिटलाइज्ड है। कैसे है वो? अभी तो ठीक है, लेकिन जब तक हॉस्पिटल में है तब तक टेंशन बनी रही। मानव, पता नहीं ये सब इस वक्त कहना ठीक होगा या नहीं, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से काम पर से तुम्हारा ध्यान थोड़ा हटता नजर आ रहा है। मानव, मैं समझ रही हूँ तुम किस दौर से गुजर रहे हो। इनफैक्ट मैं खुद तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन यू नो डीके, काम के मामले में कोई भी चीज़ उनके लिए मायने नहीं रखती, यहाँ तक कि उनकी फैमिली भी नहीं। और मैं नहीं चाहती कि मेहनत कर तुम इतने अच्छे पोजीशन पर पहुँचे हो, वो किसी भी वजह से डाउन हो जाए। आशा जी, आप ये बताइए मैं क्या करूँ? जब तक आई नहीं मिल जाती, जब तक बाबा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, तब तक मैं काम कैसे करूँगा? आज ही अखबार में लिया, अब तक एक मिनट। हेलो,
हेलो, मैं मानव देशमुख से बात कर सकती हूँ? हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? मुझे आपको सुलोचना जी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। क्या?